एक बात जहन में रखना, देखो जब भी ये वाले कॉन्वोल्यूशन के थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें हमें दो फंक्शन की जरूरत पड़ती है। जहां मेरी आवाज ना, जहां समझ ना, प्लीज माइक ओपन करके मुझे रोक देना, ठीक है? रौनक, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी का दो फंक्शन का साथ गिवन होना जरूरी है, ठीक है? अब देखो, अभी जो मेरे पास क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर किया है, जो तुम्हारे अभी स्क्रीन के सामने होगा, वो क्या है कि एल इनवर्स एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तुम बोलोगे ना, इस क्वेश्चन से हमें क्या पता कि एफ ऑफ एस क्या है, जी ऑफ एस क्या है। जो आपने जो कल क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, उसमें आपने क्लियरली मेंशन किया हुआ है उस क्वेश्चन में कि एफ ऑफ जो टी है वो टी के बराबर है और जो जी ऑफ टी है वो कॉस टी के बराबर है। बट यहाँ तो ये मेंशन, यहाँ तो सिंपल बोल दिया कि अप्लाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, एल इनवर्स एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट? यहाँ खुला बोल दिया कि एल इनवर्स एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मिस हम कैसे निकालें कि एफ ऑफ एस क्या है और जी ऑफ एस क्या है, राइट? अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमें क्या पता कि एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस क्या है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, एल इनवर्स एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्प्लिट कर रही हूँ। अब स्प्लिट का क्या मतलब, देखो एक दफा एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या, एक दफा वन बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या। ये स्टेप क्लियर है? क्या क्या मैंने डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर था ना, डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर को मैंने स्प्लिट कर दिया। इसमें स्प्लिट किया, एक दफा एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक दफा वन बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एनी डाउट? इससे फायदा क्या हुआ, देखो इससे फायदा क्या हुआ मेरे पास, इससे मेरे पास फायदा क्या होगा कि एफ ऑफ एस मेरे पास एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी है, तुम एफ ऑफ एस इसमें जिसमें लो, जी ऑफ एस किसमें। हमेशा फर्स्ट पार्ट को मोस्टली एफ ऑफ एस लिया जाता है, सेकंड पार्ट को जी ऑफ एस लिया जाता है। मैंने एफ ऑफ एस किसको ले लिया, एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, और जी ऑफ एस मैंने किसको ले लिया, वन बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ू, कल वाले क्वेश्चन आज वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? कल वाले क्वेश्चन में आपके पास जी ऑफ एस और एफ ऑफ एस गिवन था, बट इन दिस क्वेश्चन आपके पास एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस गिवन नहीं है। लेकिन मुझे बोला है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, मेरा दिमाग फौरन काम कर रहा है कि यार जब ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है, इट मींस कि आई हैव टू स्प्लिट दिस क्वेश्चन, मुझे तो स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हाउ टू स्प्लिट द क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस, एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। एक दफा इसको आप एफ ऑफ एस को आप एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देते हैं और जी ऑफ एस को वन बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब तुम बोलोगे मिस हमें क्या पता एफ ऑफ एस जी, इट्स ऑल अप टू यू कि आप, लेकिन मोस्टली जनरली फर्स्ट फंक्शन को एफ ऑफ एस लिया जाता है और सेकंड फंक्शन को जी ऑफ एस लिया जाता है। लेकिन अगर तुम ऊपर नीचे भी करते हो कि पहले उसको लेते हो, तो कोई गलत नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब तुमने देखा कि यार मुझे इस क्वेश्चन का एल इनवर्स निकालना है, यानी मुझे निकालना तो एल इनवर्स है। तुमने पहले ही क्या कर दिया कि एफ ऑफ एस का भी एल इनवर्स निकाल लिया, जी ऑफ एस का भी एल इनवर्स निकाल लिया, ताकि तुम्हारे पास क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए। अब मैंने जब एल इनवर्स एफ ऑफ एस निकाला, यानी एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लैप्लस एल इनवर्स निकाला, तो वो मेरे पास क्या आया, कॉस ए टी। ये फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एल इनवर्स ऑफ एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज व्हाट, कॉस ए टी, क्योंकि इनवर्स है इसलिए कॉस ए टी, राइट? अच्छा, L inverse G of S is what? यानी L inverse 1 by S square plus A square is what? 1 upon A sin A T. यहाँ तक clear है? मुझे सब respond दो, यहाँ तक clear है तो मैं आगे बढ़ू वरना नहीं बढ़ू। Yes, Miss Kilsia. Clear है? Roll number 67, 55, 29. Clear है? Yes, अच्छा, अब देखो ये वाला स्टेप मैंने जब कर लिया, 67 तुम्हारी आज आवाज बंद है, खैरियत 67 आज आवाज बंद है, क्वेश्चन क्लियर है 67 क्लियर है, क्लियर है मैम। अच्छा, अब देखो मैंने क्या किया, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। आयशा क्यों आंसर नहीं दे रही, आयशा आंसर क्यों नहीं दे रही हो,
जीरो से लेकर टी, अब देखो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का मैं फार्मूला लगा रही हूँ, जीरो से लेकर टी कॉस ए यू, कॉस ए यू। अब तुम बोलोगे मैं कॉस ए यू कैसे हो गया, मैंने बोला था जब हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते हैं तो टी किस में चेंज हो जाता है, यू में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कॉस ए यू वन अपॉन ए साइन, याद है मैंने बताया था कि हम जी में टी माइनस यू, तो जी टी माइनस यू क्या साइन ए टी माइनस यू और डी ओ, ये तुमने कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला लिख दिया, उसमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अच्छा अब देखो f माइनस यू नहीं किया था, f t माइनस यू लास्ट क्लास में हम लोगों ने f में किया था, अभी मैंने g a उसमें किया है, साइन g में किया, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि इट्स ऑल अप टू यू, अगर आप f of s g of s जिसको भी लो, आप f of s में t मतलब वो चेंजेस ला रहे हो या आप सेकंड फंक्शन में चेंजेस ला रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी, आंसर बोथ आंसर शुड बी द सेम। ओके मिस, जीरो कॉमा टू कॉस ए यू वन अपॉन ए साइन ए माइनस यू टी माइनस यू डी। अच्छा अब मैं क्या कर रही हूँ यार, अब मैंने देखो वन अपॉन ए तो मैं बाहर निकाल दूंगी, मुझे पता है इंटीग्रल के क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैंने पढ़ी वो क्या है, यूजिंग फॉर टू कॉस ए साइन बी, देखो कॉस साइन का फॉर्मूला बन रहा है, कॉस साइन तो टू कॉस ए साइन बी किसके बराबर होता है, फार्मूला मैंने फार्मूला भी लिख दिया जिसको याद ना हो कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी, जरा आराम से जाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ समझाना पड़ेगा। देखो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में जब तुम लोगों ने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और वन अपॉन ए को तुम्हें पता है कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अब जब तुम फार्मूले की शक्ल देख रहे हो तो ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई और इसका मतलब हमें बाई पार्ट्स लगाना होता है, और मैंने जैसे ही देखा कि यार ये तो कॉस और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बन गया, मल्टीप्लाई वाला मल्टी सम इनटू प्रोडक्ट इनटू सम, तो टू कॉस साइन बी किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो तुमने क्या किया, देखो वन अपॉन टू ए को बाहर निकाला, ठीक है, टू कॉस ए यू और साइन ए टी माइनस यू डी यू। अब इसके अंदर देखो a प्लस बी, a क्या है मेरा ए यू और b क्या है मेरा t माइनस यू, तब सुनना साइन a प्लस बी, a को बाहर निकाला, u प्लस t माइनस यू, किस तरह किया, अल्फा प्लस बीटा या a प्लस बी, अल्फा अगर तुम्हारे पास u और बीटा तुम्हारे पास t माइनस यू है तो कैसे होगा, u प्लस t माइनस यू, बात क्लियर हुई। देखो कॉस के साथ ए यू लगा हुआ है ना, तो ए तो यू आर टेकिंग ए एज अ कांस्टेंट, तो देखो यू देन प्लस टी माइनस माइनस, फिर फॉर्मूले में साइन है तो साइन तुमने लिखा, ए फिर कांस्टेंट ए को बाहर लेने दिया। अब दोबारा देखो ए माइनस बी, ए क्या था तुम्हारे पास यू, तो यू माइनस और टी और प्लस, ये कैसे हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ए यू माइनस टी प्लस यू डी यू। ये स्टेप क्लियर है कि दोबारा बताऊं, ये स्टेप क्लियर है कि दोबारा बताऊं, हो गया याद है, अजीनत याद रखना, ये स्टेप याद है, ये स्टेप याद हुआ, समझ आया कि दोबारा बताऊं, यस मैं समझ आ गया। प्लीज और भी कोई रिप्लाई दे दे, ऐसा ना हो कि 29, 8, 19 तुम्हें ना समझ आए हो तो दोबारा बता दूं, सिर्फ मुझे 02 और 67 का रिप्लाई आता रहता है, 55, 29, 8, 19 प्लीज बताओ वरना दोबारा बता दूं, बताऊं। देखो 2 cos a sin b का मैंने फार्मूला लगाया, रोल नंबर 8 दोबारा बताऊं, रोल नंबर 8 जिसकी मैं नेम कॉल करूंगी उसका माइक ओपन नहीं हुआ, मैं उसके अटेंडेंस एब्सेंट मार्क करूंगी, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि मैं यही समझूंगी दैट चाइल्ड इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास तो मैं एब्सेंट लगाऊंगी। रोल नंबर 8 थ्री टाइम्स कॉल करूंगी, रोल नंबर 8 इट मींस रोल नंबर 8 इज एब्सेंट। रोल नंबर 29 क्लियर है या दोबारा बताऊं, क्लियर है। 52
थ्री टाइम्स कॉल करूंगी एब्सेंट मार्क करूंगी. बोलो 52 ओपन योर माइक. 52 ओपन योर माइक. हैंड रेस से कुछ नहीं होगा. ओपन योर माइक. क्लियर है 52? तुम लोगों की मर्जी, मेरा कुछ लॉस नहीं होने वाला. मैं इस वक्त समझाऊंगी, बाद में मुझसे पूछा ना, मैं प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगी. ठीक है, कॉन्वल्यूशन थ्योरम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. पागल नहीं है जिनको समझ आ रहा है उसका भी टाइम वेस्ट करूं और उनको लगवाऊं. अच्छा अब देखो सुनो, 2 cos a sin b का फार्मूला क्या था? sin a plus b minus sin a minus b. ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हुआ? 2 cos a u sin a t minus u. तो sin a plus b यानी साइन ए को कांस्टेंट निकाला, ए प्लस बी क्या था? यू प्लस टी माइनस यू. ठीक है, माइनस साइन ए को बाहर निकाला, यू माइनस टी प्लस यू. यहाँ तक ये हो गया. ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इस पे साइन ए, देखो प्लस का यू और माइनस का यू कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया? साइन ए टी. मैंने एक एक स्टेप ओपन करके किया ताकि डाउट ना है. साइन ए टी. रौनक क्या हुआ? माइनस साइन ए टू यू. यू प्लस यू क्या हो गया? देखो ब्रैकेट में प्लस हो गया, टू यू माइनस टी डी यू. ठीक है, अच्छा अब जब ये बात आ गई, अच्छा अब देखो साइन ए टी माइनस साइन ए टू यू माइनस टी डी यू आ गया. ठीक है, वन अपॉन टू ए. अब देखो मैं इंटीग्रेशन की साइन लगा रही हूँ, साइन ए टी साइन ए टी. अब देखो हम लोग डी यू विथ रिस्पेक्ट टू डी यू हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमारा ए टी सब क्या होगा? एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा होगा. ठीक है, तो साइन ए टी और डी यू का इंटीग्रल क्या होता है? यू होता है, तो साइन ए टी तो कॉन्स्टेंट के बाहर आ जाएगा और डी यू का इंटीग्रल यू और जीरो और टी इसकी लिमिट होगी, प्लस साइन ए टू यू. साइन ए का इंटीग्रल क्या होता है? कॉस ए टू यू माइनस टी. जिस तरह हम क्या करते थे? साइन थ्री टी. तो साइन थ्री टी का हम क्या लिखते थे? इंटीग्रल माइनस कॉस थ्री टी और फिर डिवाइड में क्या आ जाता था? थ्री आता था. ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी यही है कि माइनस साइन का इंटीग्रल प्लस होता है, तो इसलिए ये प्लस हो गया. साइन का कॉस ए 2u माइनस टी. जी बेटा टू यू माइनस टी और डिवाइड में भी क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा. ठीक है, और लिमिट क्या लगाओगे? 0, t. अच्छा अब देखो 1/2a. अब लिमिट लगा रही हूं मैं, साइन ए टी तो मेरा कॉन्स्टेंट ही है, यू की जगह टी लगाऊंगी तो टी आ जाएगा और साइन यू की जगह जीरो आएगा, तो साइन जीरो क्या होता है? यू जीरो हो गया, तो पूरी टर्म क्या हो गया? जीरो. इसलिए टी साइन ए टी लिखा. बीच में प्लस कॉस ए टू के साथ यू के साथ टी, तो कॉस टू टी माइनस टी मीन्स टी ओनली, तो कॉस ए टी बाई टू है. फिर अगेन माइनस कॉस ए टी बाई टू है. ठीक है, लिमिट लगाई. अब देखो प्लस कॉस एटी बाई टू ए माइनस कॉस एटी बाई टू ए कैंसिल हो गया. आपके पास सिंपल आंसर क्या आ गया? टी साइन ए टी. दोबारा बोलना प्लीज, रोल नंबर 6 दोबारा बोलना. रोल नंबर 6 तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. 6 दोबारा बोलना प्लीज, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही. रोल नंबर 6. वैसे यहाँ पे मैं, मुझे समझ नहीं आया कि साइन एटी की अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाई. साइन एटी पे नहीं लगा मेरा बच्चा, साइन एटी तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है. डीयू का तुमने इंटीग्रल लगाया यू और यू पे तुमने लिमिट लगाई जीरो से लेकर टी तक. बात क्लियर हुई? तुम इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हो.
तुम इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं कर रहे, इसलिए हियर टी इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। ठीक है समझ गए। ये बात अच्छा हुआ पूछ ली, अक्सर तो कंफ्यूज करती है, क्योंकि ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू हो रहा, ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं हो रहा। तो इसलिए जो हमारे पास साइन ए टी है ना, वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा। क्लियर भी बोले मैं सबसे बात रिपीट करेंगे अगर एक मिनट अभी बता दूं सिक्स, ये बात क्लियर भी लेकिन इसके बाद भी ना आपने जो दूसरे साइन ए उसको कॉस में चेंज किया, तो आप मेरा बच्चा इसलिए कॉस में चेंज किया साइन को कॉस में, क्योंकि ये यू की टर्म में था, यू की टर्म में था। ठीक है देखो एक यू और एक टी के साथ था, उसको देखो मैंने चेंज नहीं किया, उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। समझ आई? एक बात याद रखो कि यहाँ जो यू वाली टर्म है ना वो चेंज होंगी और टी वाली टर्म एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगी, क्योंकि हम इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं, हम इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं कर रहे। और इसमें मिस्टेक्स भी अक्सर ये वाली हो जाती है, क्योंकि हमारी हमेशा टी से इंटीग्रल करने की आदत होती है ना, हमसे ये मिस्टेक होती है। अब क्लियर है? क्लियर है? रोल नंबर 11 क्लियर हुआ? मैम क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, अब दोबारा से मैं 2 मिनट देती हूँ, पूरा क्वेश्चन तुम लोग देखो, फिर मैं दोबारा से पूरा क्वेश्चन समझाती हूँ। इसलिए इन क्वेश्चन के पीछे मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ऑनलाइन है तो थोड़ा समझने में मुश्किल है, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन करवाती हूँ। अब 2 मिनट तुम लोग को देखती हूँ, तुम लोग पूरा ये क्वेश्चन देखो, फिर मैं दोबारा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ। दो मिनट में मैं तुम लोग को अगेन एक्सप्लेन करती हूँ कि तुम लोग कहाँ फंस। अगर हो गया तो मुझे बताना, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं।
हो गया, प्लीज मुझे अपडेट करो तो मैं दोबारा सम... अब स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा, देखो मैं रिवाइज करवाती हूँ जिसको नहीं समझ आया, ठीक है दोबारा समझ। देखो लास्ट टाइम आपको एफ ऑफ टी पूरा क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, खामोशी से सुनना ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक तुम लोगों ने देखा, तो जिसको डाउट है वो भी दोबारा से सुने। देखो लास्ट टाइम तुम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी गिवन थे, इस दफा के क्वेश्चन में तुम लोगों को एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी गिवन नहीं है, बट कॉन्वोल्यूशन से तुम्हें ये समझ आ रहा है कि कॉन्वोल्यूशन मीन्स यू हैव टू यू वांट टू वैल्यूज। अब टू वैल्यूज कैसे निकले मुझे, तो हमने क्या किया एल इनवर्स एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया दो टुकड़ों में, कैसे स्प्लिट किया एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और दूसरा किसमें क्या वन बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इस तरह तुम्हारे पास अब तुम्हारी मर्जी है तुम पहले फंक्शन को एफ ऑफ एस लो या जी ऑफ एस लो, कोई गलत नहीं है। मैंने पहले फंक्शन को मोस्टली हम पहले फंक्शन को एफ ऑफ एस लेते हैं, मैंने पहले फंक्शन को एफ ऑफ एस ले लिया दूसरे फंक्शन को मैंने जी ऑफ एस ले लिया। अब तुम बोलोगे बस आपने इनका इन्वर्स भी क्यों निकाला, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में एल इन्वर्स है ना, तो इसलिए मैंने इन दोनों का इन्वर्स भी निकाल के रख दिया ताकि मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाए, ठीक है। पहले का जब मैंने एल इन्वर्स निकाला तो मेरे पास कॉस ए टी आया, और जब मैंने दूसरे का इन्वर्स निकाला तो मेरे पास साइन एट वन अपॉन ए साइन ए टी आया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में इन वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर रही हूँ, यानी जीरो से लेकर टी तक। रोल नंबर सेवन कुछ पूछना चाह रहे हो, तुम्हारा माइक ओपन है, सेवन कुछ पूछना चाह रहे हो, रोल नंबर सेवन कुछ पूछना चाह रहे हो या फिर अपना माइक बंद कर दो। अच्छा अब मैंने क्या किया, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में इन वैल्यूज को सब्सिट्यूट किया, क्या वैल्यूज सब्सिट्यूट किया, जीरो से लेकर टी तक कॉस ए यू वो मैंने लिखा जी ऑफ यू की जगह पर वन अपॉन ए साइन ए टी माइनस टू डी, ठीक है। अच्छा अब मैंने देखा यार ये कॉस और साइन का फार्मूला बन रहा है, तो कॉस और साइन का फार्मूला क्या होता है, आयशा डू इट फास्ट बेटा, कॉस और साइन का डू इट कलरिंग फास्ट,
तो कॉस और साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला था। मैंने क्या किया, ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा क्या है मेरे पास ए यू और बीटा क्या ए टी माइनस यू, मैंने पहले ही ए को कॉन्स्टेंट निकाल दिया, तो मेरे पास साइन ए यू प्लस टी माइनस यू आ गया, इसीलिए मैंने फार्मूला मेंशन कर दिया क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को फार्मूला याद नहीं होता, माइनस साइन ए यू माइनस टी प्लस यू, ठीक है। अब क्या किया मैंने, वन अपॉन टू ए जीरो कॉमा टी साइन ए टी माइनस साइन ए टू यू टी माइनस टी और डी यू, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो साइन ए टी जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो साइन ए टी को तुमने बाहर निकाला तो यू बच गया है ना, डी यू बच गया, तो डी यू का इंटीग्रल क्या होता है, यू होता है, और इस पर मैंने लिमिट क्या लगाया, जीरो से लेकर टी तक की मैंने लिमिट लगाई, ठीक है। हमेशा याद रखो ए और जो टी, ए और जो टी होते हैं वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होते हैं, ए और टी क्या होते हैं, एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होते हैं, ठीक है। तुम्हारा माइक अच्छा, अब देखो तुम लोगों ने क्या किया कि तुम्हारे पास साइन ए टी को सेवन, तुम्हारा माइक कॉन्टिन्यूसली ओपन है, तुमने साइन ए टी को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट किया, तो तुम डी यू जैसे अब तुम्हारे पास इंटीग्रल कंटिन्यू करते तो तुम क्या करते थे, अगर तुम्हारे पास टू टी होता था, टू होता तुम्हारा वहां से हट जाना, टू टी होता था तो तुम क्या करते थे, टू को जो है वो बाहर निकालती थी, ठीक है, टू को बाहर निकालते थे तो तुम टी को क्या करते, टी टी से इंटीग्रल करते थे, सेम चीज यही मैंने कि साइन ए टी को मैंने बाहर निकाला तो मेरे पास डी यू आया, डी यू का क्या हुआ, जाओ डी यू का क्या हुआ, यू होता है, डी यू का क्या होता है, यू, और जीरो से लेकर टी तक, ठीक है। इसी तरह मैंने प्लस साइन का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस, अब कॉस ए टी टू यू माइनस टी जैसे साइन ए टी बाई टी, तो क्या करते हो डिनोमिनेटर में मेरे पास साइन फाइव टी में बोलती हूँ, तो तुम क्या लिखोगे इसका इंटीग्रल, प्लस कॉस 5t अगेन डिवाइड में 5, सेम मैंने यहाँ ये किया, cos a 2u by minus t by 2 है। अब बच्चे बोल रहे थे, तुम लोगों के ध्यान में आया कि मिस cos 2a, cos a 2u देखो इस पे मैंने लिमिट लगाई है t comma 0, बट cos a t by 2a को मैंने ऐसे ही रहने दिया, क्यों, क्योंकि मेरे पास t क्या है एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने इस पे लिमिट लगाई, लिमिट लगाती हूँ तो cos a t by 2a हो जाता है, ठीक है। अब देखो प्लस कॉस ए टी बाई टू ए और माइनस कॉस ए टी बाई टू ए मेरे पास दोनों कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास क्या बच रहा है, टी साइन ए टी बाई टू ए। दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं, रोल नंबर सेवन तुम कुछ बोलना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप पे लिख, वो चैट बॉक्स पे लिख दो, अगर नहीं बोलना चाह रहे तो अपना माइक बंद कर दो। दोबारा बताओ, क्लियर है मैम, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ, दोबारा बताऊं, सेवन अपना माइक बंद कर दो प्लीज। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में देखो, अब इस क्वेश्चन की एक टिप बता दूं, एक के
चीज तो एक ही है ना, चीज एक नहीं है, ये तो एक ही चीज ना, ना कलर डिफरेंस थोड़ी कोई आया, ये देखो ना कलर चेंज कितना आ रहा है। चलो अभी देखते हैं, बनानी पड़ेगी ये भी रोल नंबर 7, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो। कितनी दफा रिक्वेस्ट करूं, या तो तुम घर के काम करवा लो या म्यूट कर दो, तुम मत क्लास लो लेकिन अपना माइक म्यूट कर दो, दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूं, बार बार इसलिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के पीछे पड़ी हुई हूं क्योंकि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर नहीं समझ आए इसलिए मैं उसका एक एक क्वेश्चन करवा रही हूं, क्योंकि अगर नहीं समझ आया तो तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। 7, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम तुम लोगों को अब जो डेट जितने क्वेश्चन आते जाएंगे वो इसी तरह आएंगे कि इसमें तुम लोगों को एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी गिवन नहीं होगा, तुम लोगों को उस क्वेश्चन को देखकर खुद एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी निकालना पड़ेगा। इस बात पे फोकस करना, ठीक है? इसका एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी तुम लोगों को खुद निकालना पड़ेगा। खुद निकालने के बाद तुम लोगों को क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसका एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस निकालना पड़ेगा। जिस तरह एल इनवर्स तुम्हारे पास एफ ऑफ टी गिवन होता था, तुम एल इनवर्स एफ ऑफ टी निकालते थे तो तुम्हारे पास एफ ऑफ एस आता था, इसी तरह तुम्हारे पास एफ ऑफ टी गिवन होता था और जब तुम एल इनवर्स एफ ऑफ टी निकालते थे तो तुम्हारे पास जी ऑफ टी आता था। तो सेम हेयर हेयर यू हैव टू डू द सेम थिंग, तुम्हें एल इनवर्स ऑफ टी और यहाँ भी तुम्हें एल इनवर्स ऑफ टी और एल इनवर्स ऑफ टी निकालना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे पास एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस आ जाएंगे। यहाँ जिस तरह हम लोगों ने कॉस 80 और 1/sin 80 निकाला, फिर तुम लोग क्या करते हैं यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, क्योंकि तुम्हें तो क्या चाहिए एफ स्टार जी चाहिए, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या एफ स्टार जी है ना, तो तुम लोग एफ स्टार जी चाहिए, तो एफ स्टार जी निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे, कॉन्वोल्यूशन का फार्मूला लगाओगे। कॉन्वोल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, 0 से लेकर T तक, अब इसके बाद एक में चेंज। अब मैंने इस दफा क्या किया, एफ ऑफ यू ऐसे ही लिखा और जी ऑफ यू माइनस टी में चेंजेस लाए यू माइनस टी। ये लिखने के बाद कभी कभी क्या होगा, तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला भी यूज हो सकता है, कभी डायरेक्ट भी। अब जितने जितने मुश्किल क्वेश्चन होते जाएंगे उसमें कुछ ना कुछ फार्मूलेज यूज होंगे, जैसे यहाँ तुम्हारे पास क्या यूज हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज हुआ, ठीक है? अब तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला यूज करने के बाद तुम क्या करोगे, सबसे पहले इन क्वेश्चन में तुम लोग को ये ध्यान में रखना है कि तुम लोग इसको इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी यू कर रहे हो, ठीक है? तो डी, अब मुझे ये बताओ कि इंटीग्रल ऑफ डी यू का इंटीग्रल क्या होगा, रोल नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ डी यू क्या होगा, ओनली इंटीग्रल ऑफ डी यू। सुमेरा पहले लाउंज में जल्दी झाड़ू और उसमें ले लेना बेटा, पहले यू, पहले लाउंज में आ जाना। हाँ यू होगा, ये बताओ इंटीग्रल ऑफ डी यू क्या होगा, यू होगा, राइट? इंटीग्रल ऑफ टी क्या होगा, डी टी होगा, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू डी यू कर रहे हैं। अगर मैं इंटीग्रल बोलती हूँ कि ए टी और इंटीग्रल निकालो डी टी, तो तुम लोग क्या बोलोगे, ए को कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे ना, ए तो कॉन्स्टेंट हुआ। तो सेम यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रल बोलती हूँ ए टी और डी यू, तो तुम लोग क्या करोगे, सिर्फ यू का इंटीग्रल निकालोगे, ए टी तो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पर भी एक चीज याद रखना कि अगर वो चीज यू में है और डी यू है तो ठीक है, तुम लोग उसके हिसाब से इंटीग्रल करोगे। अगर इस तरीके से नहीं है तो फिर तुम लोग क्या करोगे, क्लास स्टार्टेड, अगर इस तरीके से नहीं है तो फिर तुम लोग क्या करोगे, इसको अगेन जो है वो जैसे साइन ए टी था, तो साइन ए टी को तुम एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे जो तुम इंटीग्रल के बाहर निकालोगे, और सिर्फ उस पर क्या लिख दोगे, टी को तुम लोग जो है वो सॉरी यू को यू का जो है वो तुम लोग इंटीग्रल निकालोगे बेटा, क्लास टाइम यू का जो है वो तुम लोग इंटीग्रल निकालोगे, ठीक है? ये याद रखना। और लिमिट भी जो तुम अप्लाई करोगे वो किस पे करोगे, यू और टी पे करोगे। अच्छा एक बात दूसरी याद रखना, क्योंकि इसकी लिमिट्स टी से जीरो होती है, तो तुम्हें मोस्टली ये बात पता होनी चाहिए कि साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है। इसमें ज्यादातर इस्तेमाल यही होता है कि साइन जीरो कॉस जीरो, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये नजर में रखना कि साइन जीरो जो है वो जीरो होता है और कॉस जीरो जो है वो वन होता है, ठीक है? अच्छा इसके बाद तीसरी बात क्या है, अब जब तुम लोगों ने लिमिट लगा ली है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा ली है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बाद अगर तो कोई चीज तुम्हारी सेम हो रही है तो ठीक है, अगर कोई चीज तुम्हारी कैंसिल हो रही है ठीक है, अगर कैंसिल नहीं होता जो तुम्हारे पास आंसर होगा वो आंसर। अच्छा अब तुम्हारे जहन में बात याद लगी कि मिस कल वाला तो जो आपने क्वेश्चन करवाया था उसमें तो आपने एंड में जाके कॉन्वोल्यूशन के बाद लैप्लेस निकाला था, यहाँ तो आपने नहीं निकाला, यहाँ तो आपने एफ स्टार जी जो है आपने उसको आंसर बना दिया। इसकी वजह ये कि यहाँ हम ऑलरेडी एल इनवर्स पहले ही निकाल चुके थे। ये बात क्लियर हुई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ?
तो यहाँ हम एल इनवर्स पहले ही निकाल चुके थे, ठीक है, बात क्लियर भी, यहाँ हम एल इनवर्स पहले ही निकाल चुके थे, बात क्लियर भी ये वाली, यस, इसलिए मुझे यहाँ पर कॉम्बिनेशन निकालने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं मेरा एल इनवर्स मैं पहले नहीं निकालती और जब मेरे पास कॉन्वोल्यूशन आता तो मैं क्या करती, ऐसे मैथ्स आ गई बेटा, अगर मेरे पास लिंक आई, अगर मेरे पास नहीं आता तो मैं क्या करती, पहले मैं इसका जो है वो लैपलेस निकाल वो निकालती, कॉन्वोल्यूशन के बाद मैं दोबारा से उसका लैपलेस निकालती जैसे मैंने इसको कल निकाला था। लेकिन आज मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैं ऑलरेडी जो है वो पहले ही इसका एल इनवर्स निकाल चुकी हूँ। बात क्लियर है, बात क्लियर है, यस मिस। अब कुछ पूछना है इसके दरमियान, एक एक क्वेश्चन इसलिए सिर्फ एक पूरी क्लास में क्वेश्चन इसलिए करवाती तो ताकि तुम लोग को इजीली समझ आए क्योंकि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैंने भगाया तुम लोग को, स्पीड भगाई तो तुम लोग को समझ नहीं आएगा क्योंकि ऑनलाइन है वैसे फिजिकल नहीं। अगर कोई डाउट है तो दोबारा प्लीज क्लियर कर लो। अब जो मैं अगली क्लास में इसका क्वेश्चन करवाऊंगी वो इससे ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे लगता है। अगली क्लास तुम क्या लगता है यूनिवर्सिटी खुल जाएगी मंडे से? कुछ नोटिफिकेशन आया? नो मिस, फाइनल ईयर के लिए सिर्फ आया है कि फाइनल ईयर की ओपन होगी, सिर्फ फाइनल ईयर का होगा, बाकी टिल फर्दर नोटिफिकेशन। बाकी अभी ऑनलाइन है क्योंकि हमारे स्कूल में तो आ गया कि वैक्सीनेशन, जैसे मेरे बच्चों की वैक्सीनेशन सबमिट करवा दो तो फिर हम ओपन कर देंगे, तो फिर यही रूल मुझे लगता है तुम लोगों के लिए भी इम्प्लीमेंट होगा। अभी तक मुझे भी कोई नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी से आया नहीं। बहरहाल अगर आ गया तो फिर तो फिजिकल होगी और नहीं आया तो फिर दोबारा से मैं ऑनलाइन में यही वाला क्वेश्चन कॉन्वोल्यूशन का तीसरा क्वेश्चन करूँगी। अब वो थोड़ा इससे मुश्किल होगा। अच्छा, मैं शाम तक कुछ असाइनमेंट के प्लीज क्वेश्चन भी अपलोड करूँगी, ठीक है? असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन इसी की प्रैक्टिस के लिए मैं अपलोड करूँगी, ठीक है? अच्छा, अभी तक लिंक नहीं है, देखो चेक करो। हाँ बोलना प्लीज, बोलो क्या बोल आपने, क्या कहा, क्या बोल रहे हो? मैम आपने असाइनमेंट का कहा तो कब तक जमा कराऊंगी? बाद में शाम तक कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को दूंगी, मतलब असाइनमेंट के एज अ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगी वो तो पढ़ने, ठीक है? ये कह रही थी आप फार्मूला अवॉइड करते हैं जो अमल आपने देंगी, क्या बोल रहे हो मैम? जो हमारे पास जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक के हो गए, इंटर हो गए, हमारे पास है ये मेरी बुक जो है ना वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में फंस गई, मसला ही हो गया। तो तुम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स तो होंगी ना, उससे फार्मूला रिकमेंड कर सकते हो, और यूट्यूब पे ऑनलाइन पूरी पूरी लिस्टें दी हुई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। ओके मिस, अगर आपके पास हो तो आप शेयर कर दो ना, हम खुद ढूंढ लेंगे। मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, मैं अब यूट्यूब से उसी से निकाल के मैं भी शेयर करूंगी। मेरा पेपर जो फार्मूले का था वो मैं बोर्ड में यूनिवर्सिटी में नहीं दिया। ओके मिस, पर जो इंपॉर्टेंट है आप हमें बता दें तो फिर हम कर लेंगे। सही, हाँ बोलो, है? बोलो बोलो, हाँ बोलो प्लीज। बोलो प्लीज, क्या कर रहा है? 71 बोलो मिस, वो आपस में मोबाइल पे आई थिंक लगे हैं। यही तो मसला है ना, मसला ही पूरा ये, और जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो फिर रो रहे होंगे मिस कॉन्वर्सेशन समझ नहीं आया, मिस इसमें प्रॉब्लम है, और फिर यकीन मानो स्पीड जो ऐसी फास्ट जाने वाली है ना, क्योंकि फौरन फाइनल का टाइम आएगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लो, वरना मैं क्लास एंड करूँ और फिर अगला क्वेश्चन भी इंशाल्लाह कॉन्वर्सेशन का ही करूँगी। मैं बहुत कॉन्वर्सेशन में स्लो इसीलिए गई हूँ ताकि तुम लोगों को एक एक स्टेप क्लियर हो। अभी भी जिसके अगर किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो दोबारा पूछ लो, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है? बट आगे लिंक का इशू, ठीक है?
ठीक है, अगर बोलो तो मैं क्लास एंड करूं, अगर कुछ पूछना है तो दोबारा पूछ लो। नो मिस कुछ नहीं।